तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का मौसम तो अभी तो धूप लगी है, हल्का बहुत बादल और थोड़ा बहुत बारिश की छींटे भी गिरे दिन में। और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ शाम के 4 बजे। तो इस समय मैं बकरियों के साथ जा रहा हूँ, चलो चलते हैं आगे की ओर। तो अभी अभी मुझे एक कॉल आया कि किसी को लेने जाना है, मरीज है, तो वो चल नहीं पा रहे हैं। और जिस रास्ते में चल रहा हूँ, ये रास्ता करीबन 1.5 किलोमीटर पैदल है। तो पैदल रास्ते में उनको कुर्सी में लाएंगे। मेरे साथ के 3 जने थे वो आगे चले गए और मैं पीछे जा रहा हूँ। अभी मेरे को अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले फ़ोन आया कि जाना है, उनको ले कर आना। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं कि कैसे क्या और क्यों। और अभी ये हमने नीचे का गदेरा पार किया, मेरे पीछे 2 जने हैं डंडा पकड़े हुए और एक जना आगे से। तो अभी मैक्सिमम 250 मीटर और है ऊपर रोड तक जाने में, और फिर वहाँ से इधर 1.5 किलोमीटर आने में, इतना पैदल जाना है। ये हमारा रोज़ का काम है वैसे। अभी रोड तो नहीं आई हमारे यहाँ, इसलिए हम पैदल राशन, जब भी माने राशन पानी जो भी है, सब पैदल ही लाते हैं। चाहे मार्केट जाना हो, इसी रास्ते जाते हैं, मरीजों को ऐसे ही ले जाते हैं। बस 4 आदमी चाहे। अब हमारे पास मैक्सिमम 100 मीटर दूरी रोड तक जाने की, और काफ़ी थोड़ा धूप भी लग गई, हल्का बहुत छिटा छाटी हो रही थी अभी तक, ये कुछ आधा 1 घंटे पहले, और अभी मौसम साफ। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं मरीज को, कैसे हैं वो, कैसे हैं उनके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम किसी मरीज़ को लेने गए हैं, तो हम इतने जने हैं। मैं आपको मरीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बैठे हैं मरीज, जो कि आज ही हॉस्पिटल से आ रहे हैं, और हमने पूरा 1.5 किलोमीटर रास्ता भी तय करना है। और मैं आपको दिखाऊंगा हमारा गांव। तो वो रहा हमारा गांव, हमने सीधा वहां जाना है। और ये रहा रास्ता, यहां से सीधा रास्ता जाना है, पूरा 1.5 किलोमीटर है। अभी धूप हुई है तो हम थोड़ा 10-15 मिनट यहां रेस्ट करेंगे, फिर यहां से जब धूप चली जाएगी ऊपर तो हम चलेंगे। चलो मिलते हैं आगे रास्ते और कैसा क्या होता है देखते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम रोड से नीचे आ गए, और रोड से थोड़ा 50 मीटर नीचे, और जो बुज़ुर्ग आदमी हम लेने आए थे वो हमारे साथ हैं। आपको अपने बैक कैमरे से उनको भी दिखाते हैं। तो ये रहे वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे, और आज वो स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से आज घर आ रहे हैं। तभी रोड से हमने करीबन 400 मीटर नीचे हम गदरे में आ चुके हैं। यहाँ से हमने फिर ऊपर का रास्ता तय करना है। अभी रोड से और गदरे तक की दूरी जो है 400 मीटर करीबन यही हुई। अब यहाँ से ऊपर हमने फिर 1 किलोमीटर और तय करना है। आप देख सकते हैं यह रास्ता, फिर वहाँ पहुँचना है हमें ऊपर, और हम आपको बताएंगे वो बुज़ुर्ग आदमी। मेरे पीछे जो आपको दिखा दे रहे हैं, ये है वो बुज़ुर्ग आदमी जिन्हें हम लेने आए हैं। चलो मिलते हैं आगे की ओर। तो ये फिर हम लग गए इस चढ़ाई में, पुल से आगे निकल चुके हैं हम। अब पहुँचते हैं ऊपर, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। चलो मिलते हैं आगे। जो चढ़ाई थी वो हमने पार कर ली, और अब थोड़ा सा बचा है, उसके बाद सीधा रास्ता है। तो सीधे रास्ते में भी थोड़ा सा चढ़ाई है, देख सकते हैं आप चढ़ाई, और हम यहाँ नीचे से आए, और अभी करीबन 900 मीटर और बचे होंगे। तो चलो मिलते हैं आगे। जो चढ़ाई थी वो हमने पार कर दी, और हम सीधे रास्ते पर आ गए। ये रहे मेरे साथ के 3, और ये रहा सीधा रास्ता। यहाँ से आगे सीधा, अब सीधा रास्ता है, ज़्यादा नहीं 500 मीटर, हाँ 500 मीटर है अब यहाँ से गांव। तो चलो मिलते हैं फिर आगे। और यहाँ पर बैठकर थोड़ा दोस्त लोग सैनिटाइज कर रहे हैं अपना हाथ, और सब में सैनिटाइज़र छिड़क रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सैनिटाइज़र कर रहे हैं, और मास्क, इसीलिए मास्क लगा रखा है हमने। चलो मिलते हैं फिर आगे। और हम यहाँ से आगे बढ़े, और अब गांव की दूरी है 200 मीटर करीबन। अब 200 मीटर हम शायद 5 या 10 मिनट में पार कर देंगे। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और अब हम ये गांव में पहुँच चुके हैं। अभी ये रास्ता 60 मीटर और है, लेकिन गांव तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी इन बुजुर्ग के घर जाना है, जो कि चढ़ाई गांव की लगी है। चलो मिलते हैं अब
सीधा उन्हीं के घर में। तो ये हम पहुंच चुके हैं उन्हीं के घर में और वहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा आराम फरमा रहे हैं और हमने हाथ अभी सैनिटाइज किया है। तो चलो दोस्तों, ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।